हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से रोटी पिज्जा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटी हुई टमाटर को डाल देंगे, एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च को डाल देंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देंगे, एक गाजर जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा सा पनीर जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है अब इसमें हम डाल देंगे, और थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला डालेंगे, एक तिहाई चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। हम नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्च ना डालें। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम एक छोटा सा बाउल लेंगे। अब इसमें हम दो चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे और दो चम्मच हम टमाटो केचप डालेंगे। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक भी हो तो भी बना सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। पैन में हम घी को इस तरह से लगा देंगे। घी की जगह आप बटर में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम एक रोटी को डाल देंगे। अब इसके ऊपर जो मैंने सॉस तैयार किया है उसे हम लगा देंगे इस तरह से। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग को डाल देंगे। इसके ऊपर हम चीज को इस तरह से डाल देंगे। आप यहाँ पर कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम चिली फ्लेक्स को इस तरह से हम डाल देंगे। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए, चीज भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब रोटी पिज्जा बन के रेडी है। तो चलिए अब इसे हम कट करके दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।